तो मेरे को एक बड़ा सा ढोल ला के दूंगा, वो तल के भरना है। समझ गया, बहाना लगे का बहाना है पत्ती के मोशन करने के लिए। इतना रेडी होती नहीं हूँ मैं ज्यादातर। यशमन जी सुबह सुबह टॉवल में खड़े हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट, और सुबह के बज गए हैं 11। आज मैंने फिर से अपना सर धोया है, और ये देखो यशमन जी अभी अभी बाहर से आए हैं, आते हुए ये झाड़ू लेके आए हैं। इतना लंबा झाड़ू, बढ़िया वाला झाड़ू लाया हूं ना। कितना लंबा झाड़ू है ये देखो। लो मेरी इसके साथ एक पिक्चर क्लिक कर दो फिर। झाड़ू के साथ? हाँ। झाड़ू क्या, अब किसी को मारना है क्या तेरे को? क्या नहीं, आप झाड़ू के साथ ये झाड़ू मेरे को मारेगी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और क्या क्या लेके आयो? खींची है, फिंगर है, साबुन है। ये नहाने वाले साबुन लेके आए हैं, और ये खींची लेके आए हैं, पापड़, पापड़ बोलते हैं इसको, पापड़ लेके आए हैं, और ये फिंगर लेके आए हैं। ये देखिए फिंगर कितने सारे लेके आए हो? दो बाल्टी भर के तलना है। दो बाल्टी भर के? क्यों? एक बड़ा सा ढोल ला के दूंगा, वो तल के भरना है। भूख लगी है, जल्दी से सब खाना बना रहा है। 11 बज गए, अभी तक कुछ नहीं बनाया। 5 बजे के उठे हैं, खाना नहीं खाएंगे टाइम से तो क्या? इसको यहाँ पे कर दो साइड में। ये किचन का सामान है, ये इधर, और ये रहा हमारा फ्रिज, और ये रहे हमारे प्याज, इसकी सब्जी बनाएंगे। खराब हो रहे हैं। हाँ वही तो कह रहे हैं, खराब हो रहे हैं, फटाफट काम ले ले यार। ठीक है, इनकी सब्जी कर लेते हैं। ये प्याज मोटे भुजे डाल ले दो चार। नहीं सिर्फ प्याज ही बनाएंगे, ये इसको बंद कर दो, थोड़ी सी डाल लेना साइड में। ठीक है, इसको साफ करना है अभी। किसको? इसको, प्याजों को। हाँ ये साफ है, आप साथ लग के करोगे क्या? जल्दी कुछ नहीं करूँ, फटाफट कर ले। इसका वापस रख देती हूँ। कल मंगवाए थे ना भुजिया, खत्म हो गए क्या? भुजिया यहाँ छोड़ते हैं बच्चे यार, खा लेते हैं। रोटी होती है टिफिन में, फिर भी भुजिया खाते हैं। कार्टून देखते देखते खाना खा रहे हैं, और मैं यहाँ पे गरम गरम बना रही हूँ, मेरी रोटी भी जल रही है, जल गई। मैं अपने हाथों से गिलूंगी खाना। खाना मैं अपने हाथों से खा लूंगी। किसना को खिलाते हैं? अरे किसना खिलाते थे, छोटा था इसको भी, इसको भी खिलाते थे। हाँ खिलाते थे, लेकिन अब तो इतना बड़ा हो गया, अब अभी भी क्या तुझे खाना ही खिलाएंगे क्या? हाथ ये देखो हसन जी खींची तल रहे हैं, पापड़ तल रहे हैं। तलो तलो तलो। मैंने शूट कर लिया इसलिए भाग गए। क्या हुआ? ये ड्रेस निकाली है इन्होंने आज, ये वाइट कुर्ता पजामा डालने के लिए, पहनने के लिए। कुर्ता पजामा पहनोगे आज? बाद में देखेंगे। आप ही आप दिखोगे फिर तो। और ये भुवनेश कृष्णा ने अभी से अपने ड्रेस चेंज कर लिया है, ये देखो। और अभी समय से 5:30 ही हुआ है, अभी तो कुछ नहीं बनाया मैंने, सिर्फ ये देखिए फिंगर और ये खींची है, बस यही तले हैं, और ये तलते ही बच्चे ये खाने भी लगे। हस्बैंड जी अपने कपड़े वापस रख रहे हैं। इसको तो अंदर रखते हैं अपने, वहाँ पे ये। और ये देखो कितना धुआं धुआं आ रहा है। और क्या बनाना है? खींची तलो तुम, लापसी चावल वो बनते ही हैं, लापसी चावल दाल ये सब बनाना है। तो बनाओ फटाफट। वो तल रहे थे ना, आंखों में जलन होने लगी मेरे तो। समझ गया, बहाना लगे का बहाना है पत्ती के मोशन करने के लिए। कि मेरी आंखें जल रही है, आप कर दो। फिर मेरी आंखें जल रही है, बाकी का काम कौन करेगा? किचन का, आपकी रसोई कौन तैयार करेगा बाकी की? इसीलिए तो हमने हेल्प की है, अगर हम ये खड़े खड़े कर देते हैं। मैं भी खा लूँ एक। एक क्यों, पूरी बाल्टी खा ले। पूरी बाल्टी क्यों खानी है? तो खाने के लिए बनाया है, तो एक नाम क्यों ले रही है, पूरी बाल्टी खा ले। और ये देखिए मैंने अपना मेकअप कर लिया है, मेकअप किया है, और अपना हेयर स्टाइल कर लिया, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है सिर्फ बालों में, यहाँ से बस ट्विस्ट किया है, बाकी के बाल खुले हैं मेरे। इतना रेडी होती नहीं हूँ मैं ज़्यादातर, पर आज मैं रेडी हो गई हूँ। ये देखिए ड्रेस मेरी सेम है, लाल साड़ी पहनूंगी या फिर सूट पहनूंगी, सूट पहनूँ या साड़ी पहनूँ, बाहर कहीं जाना तो है नहीं, रहूँगी तो अंदर अंदर ही। देखती हूँ साड़ी पहनती हूँ या सूट पहनती हूँ, मेरा भी कोई पक्का नहीं है। शाम के 6 बज गए हैं, और ये देखो भुवनेश दीपक की तैयारी करने लग गया है।
सारे सोचेंगे कि सारे काम बच्चे और एसपी जी ही क्यों करते हैं। मम्मी अभी बना करती नहीं है इसलिए। क्या नहीं करती? पूजा और इसलिए नहीं मन कर रही। तो चलो किचन में अब ना खाना बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी लापसी, साथ में मैं चावल चढ़ा दूंगी साथ ही में, और उसके बाद दाल। बस मेरा खाना तैयार है, आज के दिन यही बनेगा, लापसी दाल चावल। अभी तो सिर्फ 6 बजे हैं और इतनी जल्दी ये दीपक चला लिए इसने। अब जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा, ऐसी स्वर्णिम दुनिया आई की आई। जहाँ शुद्ध प्यार, रात को जलाना, खाना खा ले पहले, ठीक है? किसी ने भी हैप्पी दिवाली आज विश ही नहीं किया, सारे साथ ही विश करो। आप सबको हैप्पी दिवाली। ये पापड़ तलूंगी मैं, हसबैंड जी ने ये पापड़ तलने को बोला है मुझे, ये तल लिए मैंने, आज खाना खा लो। ये देखो इतने तले हैं मैंने, फिर इसके अंदर ना थोड़ा तेल खत्म हो गया था तो इसलिए मैंने इसको तला नहीं। इसको दाल को मैंने अभी चेक नहीं किया कैसी बनी है। मेरी बात मानो, एकदम सही है, मानो सही नहीं है। चलो चलो खाना खाओ, खाना खाओ। दिवाली आई स्वर्ण युग लाई, झूमो नाचो गाओ मेरे संग। हो दिवाली आई स्वर्ण युग लाई, झूमो नाचो गाओ मेरे संग। देगा एक बार भी नहीं दिया। वो होल बुरा, मुझे खाना नहीं है। ले संगम युग की ये घड़ियां कितनी सुहानी है। फिर से जा रहे हैं पटाखे लेने। हाँ मेरे को कोई खा थोड़ी ना रहा है। सतयुगी दुनिया में जाने की तैयारी है, जगमग करती स्वर्णिम दुनिया हमको बुलाती है। छोड़ी कलयुगी दुनिया ये धरा बिगाती है, धरा बिगाती है। हमारी पूजा होगी, पूजा हमने कर ली है फाइनल, और अब आज का व्लॉग करते हैं ये पे समाप्त। बच्चों ने पटाखे वगैरह भी सारे जला लिए हैं, तो आज का दीपावली हमने अच्छे से मना ली, अच्छे से मन गई है, पड़े हैं अभी है ना, सारे पटाखे नहीं बजाए, हाफ आधे पटाखे बजा लिए। फिर से लेके आया था अपने पापा के साथ जाके, तो इन्होंने अब पटाखे वगैरह फिर से जलाएंगे अभी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ये दिवाली का व्लॉग जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा दिवाली का व्लॉग पसंद आया, इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसे स्किप बिल्कुल भी मत करो। साथ में जो घंटी होती है ना, घंटी को क्लिक करके फिर ऑल वाला आपके पास आएगा, ऑल पे भी क्लिक कर लो, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि रेखा सोलंकी के नाम से कोई व्लॉग आया है। अभी मैंने जस्ट पोस्ट किया है, तो वैसा आपको ना नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर यह व्लॉग आपको मेरा ना पसंद आया तो प्लीज़ लाइक भी कर दो, शेयर कर दो, कॉमेंट कर दो। तो मिलती हूँ कल आपको एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए खम्मा गणी।